देखिए ये थोड़ा सा आपको एक चीज पहले बता देता हूँ जी, ये बीमारी जो है ये समझ लीजिए हमको 7 महीने हुए हैं जब से हम इसको जान रहे हैं जी। अब ये बीमारी के जो पेशेंट्स हैं उनकी जब जांच की जा रही है तो अभी तक 2 पेपर की ऐसे पब्लिकेशन आ चुके हैं जिसमें ऐसे पता चलता है कि 3 महीने से 6 महीने के बीच में ये जो एंटीबॉडीज तैयार हुए हैं, जो शस्त्र तैयार हुए हैं इंसान के अंदर शरीर के अंदर, वो बाद में उतने मात्रा में दिखाई नहीं देते। अब इसका मायना क्या हुआ कि उस इंसान को या तो बीमारी फिर लगने का डर रहेगा 3 महीने के बाद में, या दूसरा अर्थ ये होगा कि वैक्सीन के लिए हमको सिर्फ एक बार जिंदगी में वैक्सीन लेके हमको वो बीमारी लगने से रोक पाना ये मुनासिब नहीं होगा जी। ये बार बार वैक्सीन लेना पड़ेगा जी। लेकिन उसी वक्त एक दूसरी भी चीज के ऊपर संशोधन हुआ है जिसमें ये पता चला है कि जब वो एंटीबॉडी की लेवल भी कम भी जब होती है एक दूसरे किस्म की पेशी होती है जिसको हम टी सेल करके बोलते हैं जी। उसका काम यही रहता है कि जो भी यानी शरीर में प्रतिकार शक्ति में किसी विषाणु या जीवाणु के साथ लड़ाई की है, जो शस्त्र इस्तेमाल किए हैं वो लिख के रखने का कि ये शस्त्र मैंने इस्तेमाल किए थे और इनके वजह से मैं जिंदा रह पाया, और उसकी जो मशीनरी होती है ये शस्त्र तैयार करने की उसको आज्ञा देने का काम ये टी सेल्स भी कर सकते हैं जी। तो वो टी सेल ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये बीमारी में करते होंगे ऐसा अभी लोगों का समझ है जी। तो दोनों ढंग के एविडेंसेस आ चुके हैं, मुझे ऐसे लगता है कि उससे हमें डरना नहीं है जी। जब तक वैक्सीन नहीं आती है फुल फ्लेज्ड तो अच्छी वैक्सीन होगी, जब तक नहीं आती है हमको एहतियात तो बरतना है, लेकिन उन चीजों से मत डरो कि वो एंटीबॉडी की लेवल कम हो जाती है तो फिर मुझे एक बार बीमारी लगेगी क्या। अभी थोड़ा समय लगेगा साइंस को आगे बढ़ने में, क्योंकि ये 7 महीने पहले ही ये बीमारी के बारे में जानकारी हुई है जी।